हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप भी अगर कंफ्यूजन में है कि रक्षाबंधन वाले दिन क्या पहने, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज के वीडियो में आपको फेस्टिव वेयर से रिलेटेड एक ना एक आउटफिट तो मिल ही जाएगा। कुछ पीसेस मैंने नए ऑर्डर किए और कुछ जो मेरे पास ऑलरेडी थे उसको मैंने ट्विस्ट एंड टर्न करके ट्राई किया है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो बिफोर एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस गाउन। आई बॉट दिस गाउन अराउंड 1000 rupees फ्रॉम सेसेफरास इन एल साइज। ये बेल्ट के साथ ही आया था और इसको मैंने कुंदन हार के साथ स्टाइल किया था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ इसमें मुझे ऐड करना नहीं पड़ा है, सिर्फ मैंने नेक पीस ऐड किया और उसकी इयररिंग्स ऐड की है और हील्स पहनी है, दैट्स इट। बहुत ही प्यारा लग रहा था, अच्छा सा उसका घेर बन रहा था और इसमें आपको 2-3 कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल कॉर्डसेट फ्रॉम सांग्रिया। ये मैंने 900 के अराउंड परचेज किया है और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिटिंग जो है बहुत ही अच्छा है, बट इसका जो बॉटम है वो मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था। मैंने ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है और मैं इयररिंग्स को लेकर ना कंफ्यूजन में थी कि देन आई चूज दिस वन। दिस इज माई होल लुक और मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये लुक। ऑल द लिंक्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट आई एम गोना स्टाइल दिस व्हाइट ड्रेस विद दिस नेक पीस। नेक पीस की लेंथ कितनी रखू उसको लेकर मैं कंफ्यूजन में थी, देन आई फाउंड दिस लेंथ इज परफेक्ट। बॉट दिस ड्रेस फ्रॉम मिंत्रा। प्राइस और ब्रांड की जो डिटेल है वो मैं स्क्रीन पे जरूर डालूंगी। और ट्रेडिशनली भी स्टाइल कर सकते हो और वेस्टर्न भी स्टाइल कर सकते हो। जो नेक्स्ट लुक है वो उन लड़कियों के लिए जिनको ज्यादा तैयार होना नहीं पसंद है। तो मैंने बहुत ही बेसिक कुर्ता सेट के साथ ये लुक क्रिएट किया। ये कुर्ता सेट मैंने अमेजोन से लिया था, इसमें मैंने कुछ अलग से ऐड नहीं किया है, सिर्फ इयररिंग्स और बिंदी ऐड की है। सो ये लुक उन लोगों के लिए है जिनको तैयार होकर सिर्फ घर पे ही रहना है और सिर्फ फोटो खिंचवाना है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। वो टाइप वाला लुक है ये। वेरी रिसेंटली आई बॉट दिस ब्यूटीफुल स्कर्ट फ्रॉम मिंत्रा, द ब्रांड कॉल्ड तावी। ये मैंने कुछ 600 के अराउंड दिया था। आई एम गोना स्टाइल दिस स्कर्ट विद दिस पेपलम काइंड ऑफ टॉप। ये जो टॉप है वो अलग से एक कॉर्ड सेट का टॉप है जिसको मैंने ये स्कर्ट के साथ स्टाइल किया और साथ में मैं ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज कैरी करूंगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आउटफिट विच इज समथिंग यू नो। मैंने ये कुर्ती लास्ट ईयर मीशो से ली थी अराउंड 500 or 600 rupees और इसको मैंने बहुत बार मेरे वीडियो में ऑलरेडी स्टाइल किया है। आज मैंने इसको ना एक स्कर्ट के साथ स्टाइल किया था। ये स्कर्ट मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये स्कर्ट के साथ मैंने जब इसको स्टाइल किया ना तो मुझे लाचा जैसे कैरी करते ना वैसा वाला लुक आ रहा था। ओके, सो नेक्स्ट आउटफिट उनके लिए है जिनको स्कर्ट पहनना पसंद नहीं है, जिनको घाघरा चोली दुपट्टा कुछ पसंद नहीं है और जो जीन्स पहनना ही प्रीफर करते हैं। बॉट दिस टॉप फ्रॉम सेसेफरास, अगेन फ्रॉम सेसेफरास, अराउंड 600 rupees। टॉप की जो स्लीव्स है वो मुझे थोड़ी सी चुभ रही थी। वैसे मुझे सारे हैवी कपड़ों में ऐसे चुभन होने की प्रॉब्लम पहले से ही है, बचपन से है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आपको भी ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं। ये लुक के लिए मुझे कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, जीन्स पहना, टॉप डाला, इयररिंग्स पहनी, दैट्स इट। ये मेरा पूरा लुक रेडी है और ये फेस्टिव एप्रोप्रिएट लग भी रहा है। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, आई एम गोना स्टार्ट दिस गाउन विथ लॉन्ग श्रग और साथ में मैं सिंपल इयररिंग्स पहनने वाली हूँ, दैट्स इट। और ये श्रग भी मैंने मिंत्रा से ही लिया है, जो आपने पहले मेरे वीडियोस में देखा होगा। आपके पास भी ऐसा लॉन्ग गाउन तो होगा ही, उसके ऊपर आप लॉन्ग श्रग ऐड कर सकते हो। तो फेस्टिवल्स की बात हो रही है तो मैं साड़ी को कैसे भूल सकती हूँ। ये साड़ी भी मैंने लास्ट ईयर ली थी और आपने हॉल वीडियो में जरूर देखी होगी। मुझे ना साउथ इंडियन लुक जो होता है ना वो ज्यादा पसंद है, तो ये साड़ी को भी मैंने वैसे ही स्टाइल किया है। नेकलेस पहना और उसकी मैचिंग इयररिंग्स पहनी है, बन बना है, एंड दैट्स इट। ये मेरा पूरा लुक रेडी है। मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि आफ्टर शादी के बाद जो पहली रक्षाबंधन होती है ना उसमें लड़कियां साड़ी पहनना ज्यादा प्रिफर करती है। सो नेक्स्ट एंड फाइनल लुक इज फॉर दोज गर्ल्स जिनको बिल्कुल भी रेडी होना पसंद नहीं है और वो सिंपल कपड़ों में अपना फेस्टिवल का दिन बिताना चाहती है। तो ये वाला लुक कुर्ती लेगिंग के साथ है। ये कुर्ती की डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, बिकॉज मैं अभी इसको स्पॉइल करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये हॉल वीडियो में ऑलरेडी कर रही हूँ। कॉटन मटेरियल में है कुर्ती, तो आपको पूरा दिन रिलैक्स भी लगेगा और अल्टरनेट के तो गर्मी का तो चांसेस ही नहीं है। अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी नेकलाइन अलग है, आपकी रूटीन कुर्तियों से थोड़ा सा अलग सा लगेगा आपको। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो गिव इट टू बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी रक्षाबंधन।